सब्सक्राइब करें वारसिया उर्दू मीडियम चैनल को और बेल आइकन ज़रूर दबा दें। तो बच्चों, यहाँ पर हमारा ये गीत सबक नंबर 4 या नज़म का पार्ट है। इससे पहले मेरा कई वीडियो अपलोड हैं जिसमें सियासियात, तारीख और ज्योग्राफिया और अब ये उर्दू और उर्दू के नज़म, यहाँ पर मैंने सभी इनके सवाल जवाब दिए हैं। तो आप लोगों के लिए आसानी के लिए, तो आप उन बच्चों को भी मदद करें जिन्हें डाइजेस्ट और दर्सी किताब ना ख़रीदना पड़े। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं ये गीत। अस्सलाम वालेकुम। तो बच्चों, आज हम यहाँ पर नज़म का सबक 4, प्रीत का गीत, जिसके बारे में हम यहाँ पे मालूमात हासिल करेंगे। तो ये हफीज़ जालंधरी का लिखा हुआ है। तो पहली बात में हम देख लेते हैं, गीत हिंदी शायरी की एक मारूफ सिंफ है। इसके लिए कोई मखसूस मौजू या हैयत मुकर्रर नहीं, अलबत्ता निस्वानी जज्बात के इजहार की खसूसियत गीत को एक मखसूस मिजाज देती है। जिन लफ्ज़ों से गीत के ख्यालात उजागर होते हैं उन्हें बोल कहा जाता है, और इसके बिल्कुल इब्तदाई बोल का मुखड़ा कहते हैं। बोल और गीत के काफियों की तकरार से बोल को दोहराया जाता है। गीत चूँकि गाने के लिए होता है, इसलिए इसे मौसीकी का लफ्जी रूप भी समझा चाहिए। गीत के बहरे यानी उसकी लय और आहंग हिंदी बहरों और अवामी शायरी के बहरों से मुमासिल होती है। उर्दू में अजमतुल्ला खां वगैरह ने बहर आहंग के तजुर्बात किए, तो 20वीं सदी के आगाज से उर्दू गीत लिखे जाने लगे। अख्तर शीरानी, हफीज़ जालंधरी और नए ज़माने में निदा फाजली वगैरह ने खूब गीत लिखे हैं। उर्दू शायरी इंसानी मोहब्बत व यगांगत की जज्बात से भरी पड़ी है। गज़ल की तरह हमें गीतों में भी इत्तेहाद का पैगाम मिलता है। गीतों में उर्दू के साथ हिंदी लफ्ज़ों का कसरत से इस्तेमाल किया जाता है, जो दो तहजीबों का मिलन से इबारत है। जान पहचान में देखते हैं, हफीज़ जालंधरी 14 जनवरी 1900 को जालंधर में पैदा हुए। इब्तदाई तालीम वहीं हासिल की। उनकी कुनूतियत अबुल असर है। घरेलू हालात नासाजगार होने की वजह से उनकी तालीम अधूरी रह गई। वो शेर व शायरी के फितरी ज़ोक रखते थे। 7 बरस की उम्र में, देखिए कितने छोटे थे वो, 7 बरस की उम्र में उन्होंने नज़म कही। उन्होंने मुख्तलिफ अदमी रसाइल की अदारत की फ़राइज़ अंजाम दिए, जिनमें रिसाला ज़मींदार, नौनिहाल और मखज़न मशहूर हैं। उनका पहला शोरी मजमुआ नगमा ज़ार 1925 में शाये हुआ। अब तलखाबाए शीरी, सोजो साज और हफीज़ के गीत उनकी दूसरी किताबें हैं, ठीक है। शाहनामा ए इस्लाम उनकी शाकार तवील मिसनवी है। एक मिसनवी कौन सी है? शाहनामा ए इस्लाम। 1982 में उनका इंतकाल हुआ। तो चलिए उनके गीत को हम पढ़ के देखते हैं। अपने मन में प्रीत बसा ले, अपने मन में प्रीत बसा ले। प्रीत बसाना यानी प्यार मोहब्बत। अपने मन में प्रीत बसा ले, एक बोल जो गीत के होते हैं वो दोहराए जाते हैं, यहाँ पे उसी से शुरुआत हुई है। अपने मन में प्रीत बसा ले, अपने मन में प्रीत, मन मंदिर में प्रीत बसा ले, ओ मोरक ओ भोले भाले। मन मंदिर यानि मन को वो मंदिर कह रहा है, और मूरख यानि नादान और भोले भाले। दिल की दुनिया कर ले रोशन, दिल यानि मंदिर को दिल कह रहा है शायर। अपने घर में जोत जगा ले, जब दिल मंदिर हो जाएगा तो क्या हो जाता है उसमें? जोत यानि एक बोलते हैं उसमें एकात होती है, मोहब्बत होती है एक दूसरे के लिए, वो उस मोहब्बत की जोत जगाना। प्रीत है तेरी रीत पुरानी, रीत यानि रिवाज, और भूल गया ओ भारत वाले, भूल गया ओ भारत वाले, भूल गया ओ भारत वाले। प्रीत है तेरी रीत बसा ले अपने मन में प्रीत, अपने मन में प्रीत बसा ले, अपने मन में प्रीत। नफ़रत एक आज़ार है प्यारे, दुख का दारू प्यार है प्यारे। नफ़रत क्या है? आज़ार यानि एक बीमारी है,
जो रोग होता है ना किसी को लग जाता है, जिसका इलाज नहीं है, दुख का दारू प्यारे प्यार है प्यारे, दारू से यहाँ मुराद दवा से है। हम कहते हैं ना कि अरे दवा दारू करा लो, तो यहाँ पे दारू जो है वो दवा है। आजा अपने रूप में आजा, तू ही प्रेम अवतार है प्यारे। प्रेम अवतार यानी मोहब्बत की मूरत, पर मोहब्बत शख्सियत यानी पुर मोहब्बत शख्सियत जो होता है वो प्रेम अवतार है। तो अपने रूप में आने को कह रहा है शायर। ये हारा तो सब कुछ हारा, मन के हारे हार है प्यारे। मन का हारना क्या हो जाता है, इंसान की हार कहलाता है। तो मन के हारे हार है प्यारे, मन के जीते जीत, बसा ले अपने मन में प्रीत। जो मन से जीत गया, लोगों के दिलों को जीत लेता है, वो क्या हो जाता है, जीत जाता है। तो इसलिए मन में प्रीत बसा ले, प्रीत यानी प्यार। अपने मन में प्रीत बसा ले, अपने मन में प्रीत, देख बड़ों की रीत न जाने। रीत यानी रिवाज, सर जाए पर मीत न जाए। सर जाए यानी इज्जत को कह रहा है कि लेकिन अपने साथियों को, अपने जान पहचान, अपने आसपास के लोगों को, पड़ोसियों को, सभी को क्या हो जाता है, इज्जत से प्यार से उन्हें अपना मीत बना लेना। मीत बनाने यानी दोस्त बनाए रखना। मैं डरता हूँ कोई तेरी जीती बाजी जीत ना जाए। मैं डरता हूँ कोई तेरी जीती बाजी, बाजी यानी खेल मुकाबला जो होता है, वो कोई दूसरा ना जीत जाए। क्योंकि जब हम में आपसी नफरत होती है तो दूसरा क्या होता है, उसमें झगड़ा लगाने का काम करता है। तो वो बाजी इंसान अगर मोहब्बत में ना रहे तो वो फंस जाता है, वो हार जाता है, वो इस तरह की बोलते हैं ना कि बहकावे में आ जाता है। तो जो करना है जल्दी कर ले, थोड़ा वक्त है बीत ना जाए। जो करना है जल्दी कर ले, थोड़ा वक्त है बीत ना जाए। थोड़ा वक्त है बीत ना जाए, वक्त ना जाए बीत, बसा ले अपने मन में प्रीत। तो जो वक्त है वो ऐसे ना गवा दिया जाए, मिलजुल कर रह के इस दुनिया से जी के जाया जाए। तो इसका खुलासा देखते हैं। शायर ने इस नज़म में मोहब्बत की अजमत और अहमियत बयान की है। वो कहता है कि ऐ इंसान, तू अपने दिल को मोहब्बत के जज्बा से मामूर कर ले। शायर इंसान को नादां और भोला भाला कह रहा है। ये इस तरफ इशारा है कि इंसान मोहब्बत की हकीकत से ना वाकिफ है। दिल गोया एक मंदिर है और मोहब्बत इबादत है। इससे इंसान को ऐसी रोशनी मैसर आती है जो इसके घर यानी उसकी ज़ात को रोशन कर देती है। शायर अहले वतन को याद दिलाता है कि हमारे मुल्क में पुराने ज़माने से ही मोहब्बत और इत्तेहाद का चलन आम रहा है। मोहब्बत के बरक्स नफरत एक बीमारी है, जबकि ज़िंदगी के दुखों का इलाज मोहब्बत के ज़रिए किया जा सकता है। इंसान की बुनियाद ही मोहब्बत है। इंसान मोहब्बत का पैगाम पहुंचाने वाला है। अगर इंसान तर्ज़ मोहब्बत को अपनाने में नाकाम रहा तो वो सब कुछ खो देता है। मोहब्बत से इंसान सबको जीत लेता है। मोहब्बत हमारे आबा व अजदाद का तर्ज हयात रहा है। आबा व अजदाद यानी हमारे बाप दादाओं का तर्ज हयात रहा है, तो हमें उसे छोड़ना नहीं चाहिए। इसके लिए जान की बाजी लगानी पड़े तब भी इत्तेफाक व इत्तेहाद की हिफाजत करना चाहिए। शायर को डर है कि कहीं लोग हमारे दरमियान फूट ना डालकर हमें मोहब्बत की राह से दूर ना कर दें। वक्त देखते देखते गुजर जाता है, इसलिए हमें अपने ताल्लुकात को मजबूत करने और इत्तेहाद से लोगों को एक दूसरे से करीब करने में देर नहीं करनी चाहिए और ज़िंदगी मोहब्बत के साथ बसर करना चाहिए। तो बच्चों, यहाँ पर हमारे जो गीत का था मालूमात और खुलासा मुकम्मल हुआ। तो हम अब इस नज़म की जो गीत का है वो मानी व इशारात देख लेते हैं। तो पहला है आज़ार यानि मर्ज और तकलीफ़, दारू मुराद इलाज, असली मानी इसका क्या है, दवा, मीत, मीत यानि दोस्त, बाजी खेल व मुकाबला, प्रेम अवतार मोहब्बत की सूरत और शख्सियत। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो मशकी सरगर्मियाँ शुरू हो रही हैं, नज़म को गौर से पढ़िए और दी हुई सरगर्मियों को हिदायत के मुताबिक मुकम्मल कीजिए। तो पहला है जान पहचान की मदद से वेब खाके को मुकम्मल कीजिए। तो हम देखते हैं यहाँ पे हमारा वेब खाका, ये देखिए यहाँ पे क्या है, हफीज़ जालंधरी का असल नाम क्या था, तो मोहम्मद हफीज़। मैं आपको निशान लगा के दिखाती हूँ यहाँ पर।
तो इनका पहला नाम जो है हफीज जालंधरी का मोहम्मद हफीज, तारीख पैदाइश है 14 जनवरी 1900, पहला शेरी मजमुआ नगमे ज़ार, और एडिटर हैं वो जमींदार नौनिहाल मखजन। यहाँ पे सवाल दूसरा, प्रीत का गीत के मुरादी मफहूम को वाजे कीजिए, प्रीत के गीत को मुरादी मफहूम को वाजे कीजिए। तो इसका जवाब है, प्रीत का गीत से मुराद ऐसा गीत जो लोगों के दिलों में प्यार मोहब्बत के जज्बात पैदा करे, लोग एक दूसरे के दुख दर्द को समझें और एक दूसरे के साथ मोहब्बत और अपनाइयत का सुलूक करें। प्रीत के गीत आला इंसानी कदरों का हामिल होता है। ऐसे गीत में मोहब्बत की अहमियत और अजमत बयान की जाती है। एक दूसरे के तई हमदर्दी के रवैये और अमन व आशती के नज़रियात और ख्यालात को बढ़ावा देने में प्रीत का गीत अहम किरदार अदा करते हैं। सवाल तीन, गीत के मुखड़े को नकल कीजिए। गीत का मुखड़ा है कि गीत के इब्तदाई बोल के मुखड़ा कहते हैं, तो अपने मन में प्रीत बसा ले, अपने मन में प्रीत, ये बोल गीत का मुखड़ा है। सवाल चार, भारतवासियों से शायर की इल्तिजा बयान कीजिए। देखिए ये हो गया हमारा, ये हो गया, अब हम चौथा हल करने जा रहे हैं, तो इसका जवाब देखते हैं। भारतवासियों से शायर की इल्तिजा है कि वो अपने पुरखों की पुरानी रीत यानी प्रीत को फरामोश ना करें, बल्कि उसे अपने दिल में बसा कर दिल की दुनिया को रोशन कर लें और नफरत व अदावत की जज्बात को दिल से निकाल फेंके। तो ये हमारा हो गया चौथा। अब हमारा पांचवा, हिंदुस्तानी पस मंजर में गीत के उन्वान और गीत की जुबान पर अपनी राय दीजिए। हिंदुस्तानी रिवायत, हिंदुस्तान तरह तरह के नज़रियात और अकायद रखने वाले अफराद का मस्किन है। मुल्क की तरक्की व तामीर और अमन व आशती के बका के लिए यहाँ के लोगों में इतिहाद व इतफाक का होना बेहद ज़रूरी है। इतफाक व इतिहाद की ये जज्बात पैदा करने में हमारे गीत बड़े कारामद साबित होते हैं, क्योंकि इनमें मोहब्बत व यगांगत का पैगाम होता है। चूँकि गीत बुनियादी तौर पर हिंदी के देन है, इसलिए इनमें हिंदी जुबान की लफ्ज अल्फाज की कसरत होती है। इसी मुनासिबत से गीत का उन्वान प्रीत का गीत भी बेहद मौजू व मुनासिब है। अगला सवाल है छठा, छठे में शायर के मुताबिक नफरत के मर्ज का इलाज और उसके मौलिज को वाजे कीजिए। शायर के मुताबिक, शायर के मुताबिक नफरत के इलाज प्यार है और बाहमी मोहब्बत और यगांगत का जज्बा ही नफरत व अदावत के लिए दारू का काम करती है, यानी हर दुख का इलाज प्यार है। तो अगला ये सातवां सवाल, प्रीत के गीत से दुनिया और घर में होने वाली तब्दीली को लिखिए। शायर इत्तेहाद व इत्तेफाक का जबरदस्त हामी है। वो चाहता है कि मुआशरे में लोग मिलजुल कर रहें, उनके दिलों में एक दूसरे के तई नफरत व अदावत के जज्बात ना हो। इसलिए वो कहता है कि नफरत एक मर्ज है जो समाज के सुख चैन को बर्बाद कर देता है। दुख दर्द का एक एक ही इलाज है और वो है आपसी प्यार व मोहब्बत। तो मोहब्बत की मूरत में इसलिए तो अपनी मोहब्बत भरी शख्सियत में जलवागर हो जा। अगर तू तर्ज़े मोहब्बत को अपनाने में नाकाम रहा तो तू सब कुछ खो देगा। जो दिलों को फतेह करता है वही फतेह जमाना होता है। इसलिए तो अपने दिल में प्यार मोहब्बत के जज्बात को परवान चढ़ा और लोगों के दिलों को तस्खीर कर। जो दिलों में नफाक पैदा करता है, जिंदगी की सारी फिक्र और परेशानियों का इलाज मोहब्बत है। अगर इंसान मोहब्बत को अपनी जिंदगी का शौर बनाने में नाकाम रहा तो वो सब कुछ खो देता है। मोहब्बत से ही इंसान दिलों को तस्खीर कर सकता है। मोहब्बत हमारे आबा व अजदाद का तर्ज हयात रहा है, हमें उसे तर्क नहीं करना चाहिए। इत्तेफाक व इत्तेहाद की बिका के लिए अगर हमें जान की बाजी भी लगाना पड़े तो हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। आखिर में शायर ने अपने खदशात का जिक्र किया है कि कहीं कुछ तंग नज़र और शर पसंद हमारे दरमियान फूट ना डाल दें, तो हमें मोहब्बत की राह से दूर ना कर दें। इसलिए हमें ताल्लुकात अस्तवार करने में और मोहब्बत के रिश्तों को मुस्तहकिम बनाने में देर नहीं करनी चाहिए। अगला सवाल आठ है, शायर ने गीत में जिन खर्चों का
इजहार किया है उन्हें तरतीब वार लिखिए। अब यहाँ पे देखिए, शायर को इस बात का खदशा है कि शरपसंद अनासर दिलों में नफरत के बीज बोकर प्यार की जीती हुई बाजी को हार में न बदल दें। उसे इस बात का भी खदशा है कि वक्त थोड़ा है, कहीं ऐसा ना हो कि सोच विचार में वक्त न बीत जाए, इसलिए वो लोगों से कहता है कि उन्हें जो करना है जल्दी कर लें और दिलों में प्यार मोहब्बत और हम आहंगी के जज्बात पैदा कर लें। तो यहाँ पे जो खदशात का सवाल जो था वो मुकम्मल हुआ। तो सवाल 9, गीत के पसंदीदा बंद के मफहूम को मुख्तसर लिखिए और पसंदगी की वजह बयान कीजिए। गीत के पसंदगी, गीत का आखिरी बंद मेरा पसंदीदा बंद है। इसमें शायर ने मोहब्बत की पुरानी रिवायत का जिक्र किया है। वो कहता है कि हमारे पुरखों और वह आबा अजदाद का वतीरा रहा है कि बाहमी मेल जोल को बढ़ावा दे, दिलों में मोहब्बत को परवान चढ़ाएं और अपने उम्मीद की मोहब्बत की खातिर जान की बाजी लगा दें। हमें भी इस पर अमल करना चाहिए। हमें चाहिए कि हम इत्तेहाद व इत्तेफाक की हिफाजत करें और इस बात से बाखबर रहें कि शरपसंद अनासर हमारे दिलों में नफरत के बीज बोने में कामयाब ना हो। ये बंद इसलिए पसंद है मुझे कि इसमें शायर ने मुल्क के लोगों को एक पैगाम दिया है और मोहब्बत व यगांगत के साथ ज़िंदगी बसर करने की तलकीन की है। प्रीत है तेरी रीत पुरानी, भूल गया ओ भारत वाले। यहाँ देखिए सवाल 10, नज़म से 5 हम सूती अल्फाज तलाश करके लिखिए। तो हम सूती अल्फाज, और दूसरा है 11। पहले हम 10 को देख लेते हैं। हम सूती अल्फाज यहाँ पे देखिए, बसाले भाले, रीत प्रीत, प्यार अवतार, मीत और ये है जीत, और जगाले वाले, ये हम सूती अल्फाज हैं। अगला सवाल 11 है, नज़म से हिंदी ज़ुबान के अल्फाज ढूंढ कर लिखिए। तो नज़म से हिंदी अल्फाज जो ढूंढ के हमें इस्तेमाल किए गए हैं इसमें हिंदी के अल्फाज, उसमें है मन, प्रीत, मोरक, रीत, जोत, दारू, रूप, प्रेम अवतार और मीत। तो अगला सवाल है 12, नज़म से मुज़ात अल्फाज की जोड़ी तलाश करके लिखिए। मुज़ात अल्फाज यानी अपोजिट है, जिद है, तो यहाँ पर है ये नफरत और इसका है प्यार, यहाँ पे हार और जीत, ये हमें मुज़ात अल्फाज इस गीत में हमें मिले हैं। तो अगला सवाल है, तस्वुराती हुस्न बताना है कि आजा अपने रूप में आजा, तू ही प्रेम अवतार है प्यारे। इस शेर में शायर ने तस्वुर का जो हुस्न समोया है उसे उजागर किया है। तो शायर ने इंसान को प्रेम अवतार मत्सूर किया है। ये इसकी तस्वुर की खूबी है कि लोग अक्सर नेकोकारों को भगवान का अवतार कहकर पुकारते हैं। शायर हर इंसान को प्रेम का रूप समझता है। ये रूप बज़ाहिर दिखाई नहीं देता, लेकिन इंसान के आदात व इतवार व रवैयों की बुनियाद पर ये बात कही जा सकती है। इसलिए ये मुखातिब करके कहता है कि तू अपने असल रूप में आ जा, तेरा असल रूप मोहब्बत व यगांगत है। अब यहाँ पर देखेंगे आप, ये सवाल बच्चों हमारा जो है वो एक्स्ट्रा सवाल में था, ये हम आपके मालूमात के लिए हमने दिया है जो दर्सी किताब से हटके था। अब यहाँ पे प्रीत है तेरी रीत पुरानी, भूल गया ओ भारत वाले। इस शेर की रोशनी में भारत की किसी एक रस्म को लिखिए, किसी एक रस्म के बारे में हमें बताना है। तो भारत में कई रस्में हैं जो बतलाती हैं कि हमारा तरीका मोहब्बत है, जैसे राखी का भाई बहन का प्यार, तिल गुड़ यानी सबसे प्यार का इजहार। तो ये हो गया हमारा सवाल का ये जवाब मुकम्मल। अब यहाँ पे ये दूसरा सवाल है, ये हो गया हमारा ये वाला। देखिए, नज़म के दूसरे बंद के मफहूम को अपने अल्फाज में बयान कीजिए। नज़म के दूसरे बंद के मफहूम को अपने अल्फाज में बयान करना है। तो यहाँ पर है दूसरा मफहूम है, ये हारा तो सब कुछ हारा, मन के हारे हार है प्यारे। शेर की स्लोभी उसनों को वाजे किया गया है। तो जवाब में, मन के हारे हार है प्यारे, मन के जीते जीत। इस कहावत को शायर ने बड़ी खूबी से इस शेर में निभाया है। इंसान अगर दिल छोड़ बैठे तो उसके हवा
उसके हौसले पस्त हो जाते हैं, जोश अमल सर्द पड़ जाता है और कारजार हयात में उसे हजीमत उठानी पड़ती है। इस शेर से शायर का उसने इस्लोब नुमाया तौर पर दिखाई देता है। अब दर्जे ज़ेल अशार में इस्तेमाल की गई सनतों के नाम हमें बताना है, तो पहला है चरख तक हो गया है पानी जो, माह व माही है एक जाहर दो। तो ये पहला जो है वो क्या है, सनत तजनीस जायद है। दूसरा है मन के हारे हार है प्यारे मन के जीते जीत, ये दूसरा कौन सा है, सनत तजाद है, जिसमें हार यहाँ पे जीते और हारे का जो अपोजिट यानी जिद है इसमें, इसलिए ये जो है ये सनत तजाद है। अब हम तीसरा देखते हैं, प्रीत है तेरी रीत पुरानी भूल गया हो भारत वाले, ये तीसरा है सनत तजीद जायद, इसमें जायद क्या है, तो हमने इसमें देखा रीत, यहाँ पे देखें प्रीत है तेरी रीत पुरानी भूल गया हो भारत वाले, रीत और प्रीत, इसमें रीत और प्रीत में हमें क्या जायद लग रहा है, प, तो ये सनत तजीद तजनीस जायद है। अब चौथा देखते हैं, है जुबाने खाम है आजिज आगे बस तारीफ में जोक कहता है उठाकर जोक में वस्त दुआ, ये सनत तजनीस ताम है। तो यहाँ पर हमारा ये सन्नतों के नाम बताने का काम पूरा हुआ। अब तजनीस, ऐसे दो लफ्ज जिनकी आवाज यकसा है लेकिन मानी जो है वो मुख्तलिफ है, उसे तजनीस कहते हैं। अगर ये इस्तेमाल शेर में हो तो उसे सनत तजनीस कहते हैं। इसकी कई किस्में, तजनीस ताम, शेर में ऐसे दो लफ्ज इस्तेमाल करना जिनके हरूफ की तादाद तरतीब और तलफ्फुज यकसा हो लेकिन मानी मुख्तलिफ हो, ऐसे सनत तजनीस ताम कहते हैं। मसलन, जहाँ दी हुई उसी की थी, हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ। अब यहाँ पे देखिए जान दी, अब यहाँ पे दी हुई उसी की थी, यहाँ पे देने का देखिए दो माने निकल रहे, एक तो जान देना हो गया और दिया किसके लिए, उसी की थी, और हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ। अब यहाँ पे हक का बात तो हो रही है पर इसके माने दोनों जगह अलग निकल रहे हैं, एक तो हक ये है कि हक अदा ना हुआ, ठीक है, तो दोनों हक के माने अलग हो गए। तजनी से जायद, शेर में ऐसे दो लफ्ज इस्तेमाल करना जिनमें सिर्फ एक हरफ किसी भी मुकाम पर जायद हुआ हो उसे सनत तजनीस जायद कहते हैं। मसलन, वो माबूद यकता खुदाए दो जहां कि जिसने किया कुन में कौन वो मक्का, इस शेर में अल्फाज कुन और कौन में एक हरफ वाव जायद है, इसे तजनी से नाकिस भी कहते हैं। अब यहाँ पे तजनीस की किस्में हम बता रहे हैं, तो जेल के जुमलों में लफ्ज तार पर गौर कीजिए, पहला है तार पढ़कर वो रोने लगा, देखिए तार की बात आई, दूसरा है बिजली के तार पर चिड़िया बैठी थी, तीसरा है इसका लिबास तार तार हो गया, चौथा है तीरा व तार रात में वो घर से बाहर निकल पड़ा, तीरा व तार, देखिए यहाँ पे तार की चार मिसालें हैं। यहाँ वाजे होता है कि हर जुमले में तार का इमला और आवाज़ यकसा है मगर हर जुमले में इस लफ्ज़ के मानी बिल्कुल मुख्तलिफ हैं, इस तरह लफ्ज़ों के इस्तेमाल को तजनीस कहते हैं। अगर ये इस्तेमाल शेर में हो तो ये एक किस्म की लफ्जी सनत है, इस सनत की कई किस्में हैं। मीर हसन की मसनवी में आपने ये शेर पढ़ा है, वो माबूद यकता खुदाए जहां कि जिसने किया कुन में कौन व मका, अब इसमें कुन और कौन में क्या ज़्यादा है, वाव जायद है, तो इसलिए किस्म की तजनीस को तजनीस से जायद कहते हैं। मीर की मिसनवी में ये शेर भी आपने पढ़ा है कि चरख तक हो गया है पानी जो, माह व माही है एक जा हर दो, यहाँ माह और माही लफ्जों में एक हरफ ई, ये देखे ई जो है ये जायद है। तो जेल के मिसरों में तजनीस जायद के अल्फाज तलाश कीजिए, भूल गया ओ भारत वाले प्रीत है तेरी रीत बसाले अपने मन में प्रीत, अभी यहाँ पे क्या है रीत और प्रीत में क्या ज्यादा है, पा, रीत और प्रीत में क्या ज्यादा है, तो ये तजनी से जायद क्यों है,
क्योंकि इसमें प ज्यादा है। प दर्ज ज़ेर शेर में इस्तेमाल की हुई सनद का नाम बताइए। कहा दिल ने अब ता कजा बंद रहिए, कहा दिल ने अब तो कुजा बंद रहिए, कहाँ तक भला घर में पाबंद रहिए। तो इसमें आपको क्या करना है, ये कौन सी सनत है वो बताना है। तो बच्चों ये आपको खुद अपने ओन से करना है। तो यहाँ पर हमारे गीत का जो सबक नंबर जो नज़म 4 थी वो यहाँ मुकम्मल होती है। तो बच्चों लेसन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने उर्दू मीडियम के दोस्तों में शेयर करिए ताकि उन्हें भी डाइजेस्ट ना खरीदना पड़े और यहाँ पे मेरे बताए हुए सभी सवाल जवाबों के साथ ऑनलाइन काम में आपको घर बैठे आराम से सारी सहूलतों के साथ आप कामयाबी हासिल करें। तो बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो में नए लेसन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।